मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आजादी का अमृत महोत्सव हम सभी लोग मना रहे हैं। हमारी आजादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं और ये आजादी जो हमें मिली कई लोगों के बलिदानों के बाद, एक बड़ा संघर्ष चला, कई लोग जेल में बंद हुए, कई परिवार उजड़े, कई लोगों को फांसी पर झूलना पड़ा, कई लोगों ने गोलियां खाई, उसके बाद जाकर हमको आजादी मिली। लेकिन जब आजादी मिली तो एक और आजाद भारत के नागरिकों के रूप में हम सभी लोग बहुत हर्षित थे, लेकिन उसी समय देश के विभाजन के कारण हम सभी के मन में एक घाव था, एक टीस थी, जो आज तक हम सब लोग याद रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त से हमें कुछ कार्यक्रम दिए और ये कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये जनता का कार्यक्रम होना चाहिए, समाज का कार्यक्रम होना चाहिए। हर भारतवासी को ये लगना चाहिए कि मेरी आजादी को 75 साल पूरे हुए हैं। और इसी के चलते प्रधानमंत्री जी ने कहा आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त से हमारे जो गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको ढूंढकर उनका चरित्र हमारे समाज के सामने लाया जाए, जिन्होंने अपना जीवन दिया लेकिन किसी इतिहास की किताब में उनका उल्लेख ही नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर हमारे गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का यह मौका है। साथ साथ उन्होंने कहा इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया, हमारे अचीवमेंट्स क्या है, इसका भी विचार हम सबने मिलकर करना चाहिए। जिस देश में पिन भी नहीं तैयार होती थी वो देश आज एरोप्लेन तैयार करता है, और इतना ही नहीं तो मोदी जी के नेतृत्व में आज 100 से भी ज्यादा देशों को हम अपने हथियार एक्सपोर्ट करते हैं, हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं, और दुनिया में आज हमारे भारतीयों का आईटी में बोलबाला है। ये 75 सालों में हमने प्राप्त किया है, ये भी समाज के सामने आना चाहिए। इसके साथ साथ इन 75 वर्षों के उपलब्धियों के साथ आने वाले 25 वर्ष के हमारे संकल्प क्या है। भारत जब 100 साल का होगा, आजादी जब 100 साल की होगी, तो भारत किस इजाद पर खड़ा, किस बुनियाद पर खड़ा होगा, इसका भी विचार हमको करना है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आइडियाज एट 75, इनोवेशन एट 75 और एक्शन एट 75 इस प्रकार के संदेश हमको दिए हैं। और मुझे लगता है कि आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष में ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि जिस समय देश का बंटवारा हुआ उस समय के सिंध प्रांत में, पंजाब प्रांत में जो हमारे भारतवासी बसते थे उनको जिस प्रकार से वहां से प्रताड़ित होकर वापिस आना पड़ा, उनके विभाजन की विभीषिका भी हम भूल नहीं सकते। जिस प्रकार से घर परिवार संसार सब छोड़ देना पड़ा, मकान दुकान सब छोड़ देना पड़ा और अपने परिवारों को लेकर जिस प्रकार से वो अपने देश की ओर चले, खाने की सुध नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को जगह नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, छोटे छोटे बच्चे लेकर माए चल रही है, परिवार कहाँ बिछड़ रहे किसी को पता नहीं है, इस विभीषिका को भी हम भूल नहीं सकते।
जिस प्रकार के अत्याचार, अनाचार, दुराचार उस समय हुए उसको भी हम नहीं भूल सकते। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि समाज को यह भी पता होना चाहिए कि जब विभाजन के बीज बोए जाते हैं तो पीढ़ियां बर्बाद होती है। और इसलिए इसको याद किस लिए करना, इसलिए याद करना कि अब कोई विभाजन का बीजारोपण हमारे देश में ना हो, फिर कोई यहां पर जाति, धर्म, प्रांत, भाषा इसके आधार पर कोई नया अंग्रेज आकर हमको विभाजित न करे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमारी जो परिकल्पना है उस परिकल्पना के आधार पर एक मजबूत समाज हम लोग तैयार करें जिसकी बुनियाद को हिलाने की हिम्मत भी किसी की न हो। और इसलिए इस विभीषिका को हमारी नई पीढ़ी को यह बताना पड़ेगा। और जैसा कहते हैं कि जिनको अपना इतिहास मालूम नहीं होता उनको वर्तमान तो होता है लेकिन भविष्य नहीं होता। और इसलिए हमारे देश के भविष्य के लिए, समाज के भविष्य के लिए विभाजन की इस विभीषिका को हम फिर से याद करते हैं। उन सब लोगों को जिन्होंने प्रताड़ना सहन की उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि विशेष रूप से चाहे वो सिंध से हो चाहे पंजाब से हो, जो हमारे भाई बहन यहाँ आए, आज तीन पीढ़ी चार पीढ़ी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की और मेहनत के भरोसे तरक्की की और आज देश के विकास में जिस प्रकार से उनकी हिस्सेदारी है, और सबसे बड़ी बात चूंकि विभीषिका झेली है तो देश के प्रति जो एक जज्बा हमको देखने को मिलता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के इस मौके पर फिर एक बार उन सभी अनाम लोगों को हम याद करते हैं। आप सभी को हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देते हैं। और हर घर तिरंगा अब तो हमने लगाया ही होगा, जिन्होंने नहीं लगाया वो तिरंगा लगाए, क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान शान है, तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, तिरंगा हमारा अभिमान है। और इस स्वाभिमान को, अभिमान को हम शान के साथ फहराए, हर घर तिरंगे के साथ हमारे आजादी के अमृत महोत्सव का मनाए। इतना ही आज के इस मौके पर कहता हूँ। फिर एक बार महानगर पालिका ने ये कार्यक्रम आयोजित किया उनका भी अभिनंदन करता हूँ, श्री विक्की कुकरेजा जी उनका भी अभिनंदन करता हूँ। एक बहुत अच्छी फिल्म यहाँ पर तैयार हुई है। और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ा है, जैसे विभाजन की विभीषिका को हम लोग याद करते हैं वैसे ही अखंड भारत को भी हम लोग याद करते हैं। और अखंड भारत को हमारे मन में हम जीवित रखते हैं तो उसकी भी याद आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करेंगे, उसकी भी ज्योत हम प्रज्वलित करेंगे। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।